फ्रेंड्स, लर्निंग के नए अंदाज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के बारे में। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग क्या होता है तथा इसके वर्किंग प्रोसेस को डायग्राम के थ्रू बहुत आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों कुछ बेसिक जान लेते हैं, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग होता क्या है। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग एक अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है। मतलब मशीनिंग प्रोसेस आपको पता है दो प्रकार का होता है, एक कॉन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस और दूसरा होता है अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। कॉन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में सॉफ्ट मटेरियल्स की मशीनिंग की जाती है और अनकन्वेंशनल मशीनिंग मटेरियल ऐसे होते हैं, अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस जिसमें काफ़ी हार्ड सरफेस वाले मटेरियल की मशीनिंग की जाती है। अब उसी अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस के अंतर्गत अल्ट्रासोनिक मशीनिंग आता है। तो आप इसके नाम से ही आपको पता चलेगा, अल्ट्रासोनिक मशीन यानी अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल किया जाता है टूल पे और टूल को क्या करता है, वाइब्रेट करता है। अब वाइब्रेशन के थ्रू जो वर्कपीस के ऊपर हीट करता है और वो इनडायरेक्टली हीट करता है, ठीक है ना, बीच में एब्रेसिव स्लरी का इस्तेमाल किया जाता है, उसी के द्वारा मटेरियल को रिमूव किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अल्ट्रासोनिक मशीन का यूज किया जाता है हार्ड सरफेस मटेरियल को रिमूव करने में, जैसे कि मैट्रिक्स कंपोसाइट्स, रूबी या फिर पाइजो सिरेमिक ग्लास, सिरेमिक क्वार्ट्ज, फेराइट डायमंड, टेक्निकल सिरेमिक्स एंड एलुमिना, पीसीडी, ये सब मटेरियल्स की जो मशीनिंग करने में इसका यूज किया जाता है। दोस्तों यहाँ देखते हैं इस डायग्राम के थ्रू, यहाँ पे देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे पावर सप्लाई की जरूरत होती है। पावर सप्लाई से क्या करते हैं, ये ट्रांसड्यूसर लगा होता है, ठीक है, ये टूल होल्डर है, टूल होल्डर में टूल को होल्ड किया जाता है, ये है स्टड। अब ये ट्रांसड्यूसर क्या करता है, इसको एक अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करता है। उस वेव के थ्रू ये जो है टूल जो है बहुत ही वाइब्रेट करता है और इसको और वर्कपीस के बीच में एब्रेसिव स्लरी का इस्तेमाल किया जाता है। एब्रेसिव स्लरी में क्या होता है, एब्रेसिव होते हैं और वो मेटल के साथ स्ट्राइक करके वहाँ के मेटल को रिमूव करते हैं। जैसे कि इसी को हम लोग जूम के फॉर्म में ये देख सकते हैं, यहाँ पे बना हुआ है, ये हमारा टूल है, ये वर्कपीस है, टूल का शेप ये है, हमको ये शेप चाहिए। तो एब्रेसिव स्लरी इसके बीच में एक मीडिएटर का काम करता है, ठीक है। अब एब्रेसिव स्लरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एब्रेसिव्स होते हैं, कैविटेशन बबल होते हैं और डेब्रिस होती हैं। अब ये इन दोनों के बीच में आता है, टूल और वर्कपीस के बीच में, और ये जो एब्रेसिव है इनके मेटल्स को यहाँ से रिमूव करता है, काट कर यहाँ से निकाल देता है। तो ये ऐसे इसका मशीनिंग प्रोसेस होता है। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के बारे में मैंने जैसे बताया यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके फायदे के बारे में देखते हैं कौन कौन से एडवांटेज होते हैं। इसका मशीनिंग किया जाता है हार्ड मटेरियल का, ठीक है, प्रोड्यूस फाइन फिनिश एंड स्ट्रक्चरल रिजल्ट, बहुत ही फाइन फिनिश्ड प्रोडक्ट जो शेप होता है आप इसको इसके थ्रू मशीनिंग करके प्राप्त कर सकते हैं। लेस हीट प्रोड्यूस, बहुत ही कम हीट प्रोड्यूस करता है। वेरियस होल्स कट शेप्स ड्यू टू वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द टूल, देखिए वेरियस होल कट, बहुत सारे होल जो कट किया जाता है क्योंकि इसमें वाइब्रेशन मोशन, टूल के वाइब्रेशन मोशन से कट किया जाता है। इसके डिसएडवांटेज क्या है, यानी इसके घाटे क्या है, यानी हानियाँ, तो इसमें हानि यह है कि रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ ई इंटीग्रिटी एंड स्किल, काफ़ी हाई स्किल की जरूरत होती है। नो सर्टिफाइड रिकॉर्ड ऑफ रेडियोग्राफी, कोई इसका रेडियोग्राफी का एक कोई सर्टिफाइड रिकॉर्ड नहीं होता है। अननेसेसरी लार्ज ग्रेन साइज कॉज डिफेक्ट, अगर कोई लार्ज ग्रेन साइज अननेसेसरी उसमें की वजह से क्या होता है, डिफेक्ट भी प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये सब दोस्तों इसके डिसएडवांटेज हैं। उम्मीद है दोस्तों अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।